सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर कौशल किशोर मेवाड़ा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बिगोद, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा। आज हम पशुओं में होने वाली बांझपन की समस्या और उससे संबंधित उपचार के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपना देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय पूर्ण रूपेण जुड़ा हुआ है और वर्तमान में पशुओं में बांझपन की समस्या अपने को एक मुख्य गंभीर समस्या के रूप में देखने को मिल रही है और ये एक पशुपालकों को इससे आर्थिक नुकसान अपने को देखने को मिल रहा है। पशुपालन का अपने आप में देश और प्रदेश की जो जीडीपी होती है उसके अंदर भी योगदान है। मुख्यतः पशुओं के अंदर जो बांझपन की समस्या है वो उनको संतुलित आहार न मिल पाना ही एक सबसे मुख्य कारण माना जाता है। जो 70-80% तक जानवरों को बांझपन से संतुलित आहार, विटामिन, मिनरल्स या जिसे अपन कहते हैं खनिज लवण, उनकी खुराक में शामिल करके उसको रोका जा सकता है। जबकि 20% कारण जो कि उनमें हो सकता है कि जानवर के अंदर कुछ बीमारियां वगैरह हो, जैसे जानवर के ब्याने के बाद में कुछ समस्या हो गई हो, बच्चेदानी में समस्या हो, मावा दाना, बच्चे का स्वतः गाय का स्वतः न ब्या पाना, उनके अंदर जड़ का रुक जाना या उनके अंदर बच्चेदानी का बाहर आ जाना, इन सब के कारण या उनके अंदर बच्चे का फेंक देना, अबोर्शन हो जाना, इसके कारण होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो अपने को जो बाड़े की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। उनके खान पान में अपने को हमेशा मिनरल मिक्सचर का उपयोग करना चाहिए। आजकल विभिन्न कंपनियों के द्वारा मिनरल मिक्सचर उपलब्ध है जो अपन पशुओं की डाइट में रोज़ाना 40 से 50 ग्राम ऐड कर सकते हैं ताकि पशुओं का जो उनकी वृद्धि है वो उपयुक्त तरीके से हो सके। अगर पशु की वृद्धि उपयुक्त होगी तो उसका हीट में आने का समय, उसकी सही ग्रोथ और बॉडी वेट होने पर सही समय पर हीट में आएंगी तो अपने लिए अच्छा होगा। दूसरा, अगर पशु 1 साल के अंदर ब्याह जाता है, हर साल अगर वो ब्याहता है तो अपने को अधिक संतति प्रदान करेगा। तो अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि पशु हर साल ब्याहे। इसके लिए पशु का ब्याहने के पश्चात 60 से 90 दिन में हीट में आना और उसके बाद वापस से गर्भित हो जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अपने को पशुओं को खुराक के अंदर संतुलित आहार मीन्स उनको जो खुराक है उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल जो भी आवश्यक है उनकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अगर अपने पास उपलब्ध हो सके तो अपने को पशुओं को हरा चारा भी अपन ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी आवश्यकता है वो पूर्ति की जा सके। चारा देने के हिसाब से अपन पशुओं को 2/3 सूखा चारा, 1/3 हरा चारा उनके पेट भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा चारा थोड़ा पोषक होता है, उसके अंदर कुछ मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है और अपने को साथ में 40 से 50 ग्राम खनिज लवण पशुओं को प्रदान करना चाहिए। खनिज लवण के अंदर मुख्यतः कॉपर है, फास्फोरस है, सेलिनियम है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। इन सब की कमी से भी अपने को पशुओं के अंदर बांझपन की समस्या देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त पशुओं में कुछ संक्रामक स्थितियां भी होती है जो पशु के ब्याहने के बाद अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ जो जन्मजात जो बांझपन की समस्या होती है उसको ठीक कर पाना संभव नहीं हो पाता है। वो अपन स्थायी बांझपन को में उनको रखते हैं, जबकि जो अस्थायी बांझपन है उसको अपन 70-80% उसकी खुराक के आधार पर अपन उसको ठीक कर सकते हैं। अगर जानवर समय पर हीट में आएगा और समय पर अपन उसका कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे तो अपने लिए फायदेमंद है। कुछ पशुओं के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि वो हीट में भी सही समय पर आता है लेकिन कारणवश वो गर्भित नहीं हो पाता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि
अपने द्वारा जो गर्भाधान किया गया है उसमें भी कोई समस्या हो सकती है, या पशुओं के अंदर हो सकता है कि अंडे का स्राव नहीं हो रहा हो मादा पशु में, तो अपन इसके लिए जो चिकित्सक हैं उनके सहायता से, जो रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर हैं उनकी मदद से अपन उनको चेक कर सकते हैं, या जो ब्याहने के बाद होने वाली समस्याएं हैं उनका अपन रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर से उपचार करवा सकते हैं। कईयों में अपने को अंडे का स्राव देखने को नहीं मिलता है, तो उसके लिए अपन हार्मोनल ट्रीटमेंट पर जा सकते हैं। तो जो 80% है उन अस्थायी गर्भ जो समस्या है बांझपन की, उसको अपन मैनेजमेंट और फीड वगैरह के द्वारा ठीक कर सकते हैं, और जो 10-20% है उसको अपन हार्मोनल ट्रीटमेंट या एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल करके उनको ठीक कर सकते हैं। परंतु अपने को उसके लिए एक अच्छे पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और उनसे ही अपने पशुओं को चेक करवा करके ऐसा करवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।